गर्ल्स हायर सेकेंडरी में मुझे बुलाया गया हम दोनों भाइयों को। तो जैसे कि फरदोस सर ने बोला कि आप उनको थोड़ा मोटिवेट कीजिए, वहाँ पर हमने स्पेशल एबल्ड बच्चों को बुलाया गया और ख़ासकर उनके पेरेंट्स को। जो हमारे यहाँ के एजुकेशन स्टाफ है उन्होंने इनके साथ बड़ी हमदर्दी के साथ पेश आए। हमने थोड़ा अपनी मिसालें दी थी, हमने कैसे पढ़ा क्या करा। यहाँ पर कश्मीर में उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ तब तक थी नहीं थी, तो हमने किस तरह स्ट्रगल किया अपनी मतलब एजुकेशन हासिल करने में। मैं शुक्रगुजार हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का। हमारे लिए स्पेशल एक टीचर भेजा था, उन्होंने हमारे एक अलग से क्लासेस लिए तो और ब्रेल बुक्स वगैरह हमको प्रोवाइड किया गया। स्पेशल एबल्ड लोग हैं उनके लिए चलना मूवमेंट करना एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, सपोर्ट किया है कि इन्होंने अब हर एक जोन में इनके लिए एक एक सेंटर या दो दो तीन तीन सेंटर कायम करने शुरू कर दिए हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही मुफीद फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत ही शुक्रगुजार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इन प्रोग्रामों को हमारे लिए मतलब कि मुनाकिद करवा रहा है, तो हमें बहुत शुक्रगुजार हैं। CWSN का प्रोग्राम था जो बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स माने जाते हैं, जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है फिज़िकल, कोई फिज़िकल हैंडीकैप है या उसको विजन या हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चों की असेसमेंट होती है। नॉर्मली ये होती रहती थी, लास्ट ईयर जो हुई उसमें कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आई थी और मैंने ही पॉइंट आउट किया था कि बच्चे की जो भी आइटम हो उसकी अगर विजन की है या हेयरिंग की है या उसका कोई और बॉडी की कोई डिवाइस हम दे रहे हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिकेशंस के साथ होनी चाहिए ताकि उसमें बाद में कोई डिफरेंट प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए दोबारा ये असेसमेंट का यहाँ पर रखा गया प्रोग्राम और इसमें जो है असेसमेंट कल भी एक सेंटर में हुई है वहाँ, बल्कि आज भी हो रही है और ये चार सेंटरों में चार जगहों पर असेसमेंट होती है और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट के चार जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है उन डिवाइसेस की। लास्ट ईयर भी हमने कुछ 629 आइटम्स जो हैं वो बांटी हैं बच्चों में, ऐसे बच्चों में, और इस बार 200 बच्चे हैं जिनको हम ये डिवाइसेस देंगे और उनकी असेसमेंट के लिए प्रोग्राम किया गया है।